वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम ये जो सीएचओ का कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सब राजस्थान के बच्चों को पढ़ाएंगे, ताकि आगे मोटिवेट होके एमपी, अदर स्टेट, महाराष्ट्र, गुजरात, उसमें भी हम आगे कुछ सीएचओ के लिए कुछ कर सके। ठीक है, तो हमने एक जो अपना यूट्यूब चैनल है किरोशन नर्सिंग एकेडमी की, में एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें सीएचओ के सभी वीडियोज अपलोड कर दिए गए हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। हमारा मेन मोटो है कि जो कोर्स कराए वो सीएचओ के लिए ही, जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो कंटिन्यू रहे, ना कि फुल कोर्स कंप्लीट कराए। तो जो सीएचओ लेवल के लिए जो क्वेश्चन है उसके रिलेटेड हम अपडेट्स दे रहे हैं। तो आज से अपन मॉडल पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आज फर्स्ट मॉडल पेपर सीएचओ का आया है, जिसमें से इस जो अपने 10 मॉडल पेपर हम अपलोड करेंगे, जिसकी पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी। आइदर आप यूट्यूब चैनल से ले सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज सीएचओ का मॉडल पेपर का हम फर्स्ट पेपर एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट किसे बोलते हैं? ऑप्शन फर्स्ट एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ वीज, मिट्रल वॉल। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड मैक्सिमम पेपर में आते हैं। एसए नोड, एसए नोड को क्या बोलते हैं? नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट। इंपल्स कितनी जनरेट करता है? 60 to 100। ये इंपल्स जनरेट करके एवी नोड को ट्रांसफर करता है, एवी नोड फर्दर बंडल ऑफ हिस से आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो कंडक्शन सिस्टम में मेनली ये हेल्पफुल है। इंपल्स सिस्टम 60 to 100 है, एवी नोड का इंपल्स सिस्टम है 40 to 60 बीट्स पर मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया कि एंडोक्राइन ऐसी कौन सी ग्लैंड है हमारी बॉडी में जो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन है उसके। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन है, एड्रिनलिन एंडोक्राइन है, थायरॉइड ग्लैंड एंडोक्राइन है, पर पैनक्रियाज इज बोथ एंडो प्लस एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है, और एंडोक्राइन हार्मोन। ठीक है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है कि विच ग्लैंड इन अवर बॉडी इज बोथ हैज फंक्शन बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो उसका करेक्ट आंसर है सीधा पैनक्रियास। टोटल नंबर ऑफ द मसल इन ह्यूमन बॉडी, अपने एनाटॉमी के लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था टोटल नंबर ऑफ द मसल इन ह्यूमन बॉडी। डायरेक्ट सीधा आंसर 639। परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन इंस्पायर्ड एयर, जब अपन इंस्पिरेशन करते हैं, ब्रेथ इन करते हैं, तो कितनी परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन अपन इनहेल करते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है 21%। ओके, एनवायरमेंट में 21% ऑक्सीजन अवेलेबल होता है जो अपन पूरी इंस्पायर करते हैं। और इसका एक्सपायर एयर की ऑक्सीजन कितना होता है एक्सपायर एक्सपीरेशन में? तो ऑक्सीजन परसेंटेज है 16%। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं जाना चाहिए। इनहिलेशन में अपन 21% ऑक्सीजन लेते हैं, एक्सपीरेशन में 16% को एक्सहेल बाहर निकालते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्डियक मसल्स आर, जो अपने बॉडी में हार्ट में जो मसल होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? तो कार्डियक मसल क्या होता है, इसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इनवॉलेंट्री एंड स्ट्राइटेड रहते हैं। ठीक है, कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री एंड स्ट्राइटेड, इन तीन में से आपको एक क्वेश्चन फेस करना है, ये श्योरिटी है। यहां से बहुत रिपीटेड है कार्डियक मसल, फिर है आपका स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल का कैरेक्टरिस्टिक है। स्केलेटल मसल से अपन ब्रेन से कंट्रोल कर सकते हैं उसको, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, तो ये वॉलेंट्री मसल है एंड नॉन स्ट्राइटेड।
ठीक है, स्केलेटल मसल इज अ वॉलेंट्री मसल एंड नॉन स्ट्राइटेड. नेक्स्ट स्मूथ मसल. जो स्मूथ मसल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक रहती है, ये भी स्मूथ मसल भी एक तरह से इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री एंड नॉन स्ट्राइटेड. ठीक है, स्मूथ मसल की कैरेक्टरिस्टिक होती है इनवॉलेंट्री एंड नॉन स्ट्राइटेड. नेक्स्ट, तो आपको ये मेक श्योर करना है, कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री स्ट्राइटेड, स्केलेटल मसल वॉलेंट्री नॉन स्ट्राइटेड, स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री नॉन स्ट्राइटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बॉडी कैविटी किडनी सिचुएटेड. किडनी अपनी कौन सी बॉडी कैविटी के अंदर सिचुएटेड होती है? सीधा आंसर एब्डोमिनल कैविटी और इसका रेट्रोपेरिटोनियम. रेट्रोपेरिटोनियम इसका प्लेस होता है क्योंकि बैक साइड में वो रहती है, इसलिए रेट्रोपेरिटोनियम बोलते हैं. ठीक है, पेल्विक कैविटी में क्या रहता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, थोरेसिक कैविटी, लंग्स, मीडियास्टिनम, हार्ट रहता है जो कि अपने रिपोर्ट प्रोसेस के बीच में, दोनों राइट लंग एंड लेफ्ट लंग के बीच में जो स्पेस होता है उसे मीडियास्टिनम बोलते हैं. टोटल नंबर ऑफ द इंटरकोस्टल मसल आर, टोटल नंबर ऑफ द इंटरकोस्टल मसल, रिब्स कितनी होती है अपनी बॉडी में, कितनी पेयर होती है? 12 पेयर. टोटल रिब्स 24. तो 12 रिब्स के बीच में ये जो मसल स्पेस होता है उसे बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस. ठीक है, तो इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में जो मसल होता है, तो 12 पेयर ऑफ द रिब्स के बीच में 11 पेयर ऑफ द इंटरकोस्टल स्पेस होता है, तो इंटरकोस्टल मसल कितने हुए? 11. तो इसका कंफ्यूज नहीं होना है, 11 पेयर ऑफ द इंटरकोस्टल मसल प्रेजेंट होते हैं. इन द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट अबुंडेंट कैटायन ऑफ द इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. मैंने इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अच्छे से एक्सप्लेन किया था. ईसीएफ, ईसीएफ में जो इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं कौन से होते हैं? सोडियम और क्लोराइड. ठीक है, आईसीएफ, आईसीएफ में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं? पोटेशियम एंड मैग्नीशियम. ठीक है, पोटेशियम और मैग्नीशियम रहते हैं आईसीएफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड. एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में जो रहते हैं सोडियम एंड क्लोराइड रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट द आर्टरी एंड वेन, वो कौन सी ब्लड वेसल्स है जो आर्टरी और वेन को कनेक्ट करती है? तो सीधा आंसर है कैपिलरीज. आर्टरी वेन जो कनेक्शन करती है वो है कैपिलरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया है. कंसेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर, एक्सपायर्ड एयर में कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कितना है? तो मैंने इंस्पिरेशन में कितना बताया था? इंस्पिरेशन 21%, एक्सपिरेशन 16% ऑफ O2. ठीक है, अगर यहां पे सेम क्वेश्चन CO2 से रिलेटेड हो, ठीक है, तो इंस्पिरेशन अपन जब सांस लेते हैं, ब्रीथिंग अंदर लेते हैं, तो इंस्पिरेशन कितना? 0.04% अपन कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, लेकिन जो एक्सपिरेशन होता है जब श्वास को बाहर निकालते हैं तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. ठीक है, तो ये थोड़ा आपको मेक श्योर करना है. इंस्पिरेशन 21% ऑक्सीजन, एक्सपिरेशन में 16%. अगर CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, इंस्पिरेशन 0.04%, एक्सपिरेशन 4%. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. इन ह्यूमन बॉडी ग्लाइकोजन इज मेनली स्टोर, ग्लाइकोजन किस रूप, किस ऑर्गन में स्टोर होता है ह्यूमन बॉडी? सीधा आंसर लीवर. ग्लाइकोजन किस में स्टोर होता है? लीवर में. नेक्स्ट, इन ह्यूमन बॉडी पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड एट, पिट्यूटरी ग्लैंड दो होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है जो ब्रेन में सिचुएटेड होती है. तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रेन.
एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लेक्चर में ये एक्सप्लेन कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर प्लेलिस्ट में चेक करें। इन टोटल नंबर ऑफ द वर्टिब्रा इन ह्यूमन बॉडी कितना है, 33 पेयर, C7, थोरेसिक 12, L5, सैक्रम 5 और कोक्सीडियल 4, टोटल 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ द चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ह्यूमन हार्ट में टोटल 1, 2, 3, 4, टोटल 4 चैम्बर होते हैं, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द ओनली आर्टरी विच सप्लाई द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ह्यूमन बॉडी में कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी वेन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी आर्टरी ही ऐसी एक्सेप्शनल आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, और पल्मोनरी वेन ही ऐसी एक्सेप्शनल वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट एलर्जिक कंडीशन, एलर्जिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन, सिट्रिजिन, मैं अपन को पता है सिट्रिजिन सबने ली होगी शायद, कोई भी इंडिया में ऐसा बहुत ही कम लोग अवेलेबल होंगे जो सिट्रिजिन नहीं, तो एलर्जिक कंडीशन कहीं से भी एलर्जी होने पे अपन सीधा सिट्रिजिन ले लेते हैं, सिट्रिजिन है, डेक्सोना, डेक्सोना एक कोर्टिकोस्टेरॉइड है, क्लोरफिनेरामाइन भी यूजली एंटी हिस्टामिनिक एक्शन है इसका, तो किसी भी एलर्जिक कंडीशन में हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से रनिंग नोज, इचिंग, वो सब प्रॉब्लम होती है, तो उसको कम करने के लिए या तो सिट्रिजिन लेते हैं, डेक्सोना देते हैं या क्लोरफिनेरामाइन देते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्यूडोएफेड्रिन इज, स्यूडोएफेड्रिन क्या है, तो स्यूडोएफेड्रिन का सीधा आंसर अगर ये क्वेश्चन है, डीकंजेस्टेंट इज द करेक्ट आंसर। 1 teaspoonful medicine is equal to, 1 teaspoonful medicine is equal to 5 ml, ठीक है, teaspoon, ये पूछा तो आपको 5 ml आंसर करना है, tablespoon, अगर यहां से क्वेश्चन आए तो 15 ml, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं से भी क्वेश्चन आए तो अपना करेक्ट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, विच ड्रग में कॉज द ग्रे बेबी सिंड्रोम, ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा गया फार्माकोलॉजी की तरफ से, तो इसका सीधा आंसर है, ग्रे बेबी सिंड्रोम कौन सी ड्रग प्रेगनेंसी में देने से होता है, तो क्लोराम्फेनिकोल, क्लोराम्फेनिकोल से क्या होता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम, नोट डाउन कर लीजिए, प्रेगनेंसी में क्लोराम्फेनिकोल ड्रग देने से ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है। ओके, टेट्रासाइक्लिन देने से क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन अगर प्रेगनेंसी में कंज्यूम करती है कोई लेडी तो उसके जो बेबी में जो टीथ है डिस्कलरेशन, जो टीथ है वो येलो डिस्कलरेशन, अगर आपने किसी अपने साथी के पूरे दांत पीले कलर के, येलो कलर के होंगे, तो उसका रीजन यही है कि उसकी मदर को प्रेगनेंसी में टेट्रासाइक्लिन एक्सीडेंटली दिया गया है, जिसकी वजह से येलोश डिस्कलरेशन ऑफ द टीथ हो जाता है। फॉलोइंग विच ड्रग कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ एड्स, कौन सी ड्रग ऐसी है जो एड्स की प्रोग्रेस को कंट्रोल करती है, एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिडोविडिन, जिडोविडिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन HIV, either pregnancy और normal जिडोविडिन ही स्टार्ट करते हैं। जिडोविडिन का साइड इफेक्ट पे क्वेश्चन आता है तो एज ए नर्सिंग केयर मोनिटर CBC, ओके, अगर पेशेंट किसी को जिडोविडिन चल रही है तो CBC मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द इफेक्ट ऑफ द एड्रीनालिन, एड्रीनालिन का इफेक्ट क्या है, इंक्रीज हार्ट रेट, बिल्कुल करते हैं, हार्ट रेट जब कम है तो एड्रीनालिन दे सकते हैं, इसे वेजो कंस्ट्रिक्शन करती है, वेजो डायलेशन नहीं करती है, तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ A and B, ठीक है। किसी क्वेश्चन में अगर दो अपोजिट एक्शन दिए गए हैं तो आपको 99% केसेस में आंसर उन दोनों में से ही होता है, ठीक है, तो आपको ये दोनों को सीधा अवॉइड कर सकते हैं, ये तो चलो इसमें ये दोनों आंसर है,
बाकी वेजोडाइलेशन इज द एक्सेप्शनल केस, सीधा आंसर आ गया इंक्रीज हार्ट रेट एंड वेजोकंस्ट्रिक्शन. द मेडिसिन गिवन ड्यूरिंग एक्यूट एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, एक्यूट एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में कौन सी मेडिसिन देते हैं? एडीआर एड्रिनालिन. डिजॉक्सिन इज नॉट गिवन व्हेन हार्ट रेट इज, डिजॉक्सिन इज अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड, इसका एक्शन क्या है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड. ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, अगर हार्ट रेट 60 से बिलो हो तो डिजॉक्सिन नहीं देते हैं एडल्ट में. अगर किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, एडल्ट पीडियाट्रिक इन्फेंट कुछ नहीं, तो आपको सीधा एडल्ट कंसीडर करना है और आंसर बिलो 60 राइट करना है. ओके, इन चाइल्ड में बिलो 60 अगर हार्ट रेट हो तो डिजॉक्सिन को विथहेल्ड कर देना है. इन्फेंट बिलो 110, अगर बिलो 110 हार्ट रेट है तो डिजॉक्सिन को विथहोल्ड कर देना है. तो ये तीन क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं. मैक्सिमम यही आता है एडल्ट में, बिलो 60 अगर पल्स रेट है डिजॉक्सिन को विथहोल्ड कर दो. यहां पे अगर चाइल्ड दे दिया तो बिलो 90, इन्फेंट दे दिया बिलो 110. ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है ये चीज. इन फॉलोइंग विच एनाल्जेसिक इज गिवन इन ओल्ड एज, ओल्ड एज जो ओल्ड जीरियाट्रिक पेशेंट है उसमें कौन सी एनाल्जेसिक प्रिफर करते हैं? तो डाइक्लोफिनेक्स सोडियम. ओके, डाइक्लोफिनेक्स सोडियम ओल्ड एज की जो एनाल्जेसिक ऑफ द चॉइस है. नेक्स्ट, 75 ईयर ओल्ड पेशेंट हु हैड अंडरगोन द हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, विच साइज ऑफ द कैनुला इज यूज्ड फॉर आईवी इन्फ्यूजन, सीधा आंसर करना है 18 नंबर. ओके, कभी कभी कलर भी पूछ लेता है, 16 का ग्रे कलर, 18 नंबर ग्रीन कलर कैनुला, 20 नंबर पिंक कलर और 22 नंबर ब्लू कलर. ये कैनुला के कुछ कलर कोड दिए हैं जिसको अगर आप चेक भी ना करो कौन से गॉज का है, आप सीधा अकॉर्डिंग टू कलर आप याद कर सकते हैं. ठीक है, और यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, विच इन्फेक्शन सीरोटाइप ऑफ डेंगू वायरस इज मोस्ट डेंजरस, जो डेंगू होता है उसके चार सीरोटाइप है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4. तो जो टाइप 2 होता है वो मोस्टली डेंजरस होता है. ठीक है, सीधा आंसर कर देना है टाइप 2 डेंगू वायरस इज मोस्ट डेंजरस. द मोस्ट ऑफन सेल फ्रॉम ब्लड इन्फेक्टेड बाय एचआईवी, कौन सी ऐसी अपनी बॉडी में सेल्स है जो एचआईवी से मोस्ट इन्फेक्टेड होती है? ठीक है, तो आपने CD4 काउंट देखा होगा कि आप चेक करवाते हैं एचआईवी में, 200 to 800 सेल काउंट होता है CD4 सेल काउंट. तो CD4 है टी लिम्फोसाइट, जो हेल्पर सेल होती है वो यूजली एचआईवी में मोस्ट इन्फेक्टेड होती है और कम हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? आप सबको याद होगा MTB, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुल बेसिलाई इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस. यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इज कलेक्टेड फ्रॉम, तो यूरिन सैंपल जो कल्चर के लिए माइक्रोस्कोपी माइक्रोस्कोपी एंड CS कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए कलेक्ट करते हैं, तो कौन सा यूरिन एडवाइस करते हैं? मिड स्ट्रीम ऑफ द यूरिन. नेक्स्ट, द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोबियल ग्रोथ को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं? किसी भी बैक्टीरिया का ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कौन से करते हैं? टेम्परेचर, मॉइस्चर और डिसइन्फेक्शन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक्सेप्ट, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है. तो डार्कनेस माइक्रोबियल ग्रोथ को इन्फ्लुएंस नहीं करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनिटी मीन्स, ये अपन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. इम्यूनिटी मीन्स, वॉट इज इम्यूनिटी? ऑप्शन ए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इसको बोलते हैं अग्लूटिनेशन. नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ द मैटरनल एंटीबॉडी अक्रॉस द प्लेसेंटा, ये इससे इम्यूनिटी का कोई रिलेशन नहीं है. लेवल ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ अ पर्सन टू अ पर्टिकुलर डिसीज इज द करेक्ट आंसर. ओके, लेवल ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन टू पर्टिकुलर डिसीज इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये टाइप है इम्यूनिटी का. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिकोमोनल इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ट्रिकोमोनल
वेजाइनेटिस, ठीक है, ट्रिकोमोनल वेजाइनेटिस जो है प्रोटोजोआ एक तरह से पैरासाइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के फादर किसे बोलते हैं, तो लुईस पाश्चर इज द करेक्ट आंसर। इसको यह भी बोलते हैं मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। रॉबर्ट कोच कौन है, बैक्टीरियोलॉजी के फादर, फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी। एंटोनी वैन ल्यूवेनो क्या, इसने क्या किया था, माइक्रोस्कोप की खोज की थी। लैंडिस्टर्नर कौन है, ब्लड ग्रुप, डिस्कवर द ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये एक ही क्वेश्चन ने अपन ने चार क्वेश्चन के आंसर दे दिए। नेक्स्ट, इन फॉलोइंग विच इज वेक्टर बोर्न डिसीज, फॉलोइंग इन सब में वेक्टर बोर्न डिसीज कौन है, कौन सी है, डिप्टेरिया नहीं है, टिटेनस नहीं है, मिजल्स नहीं है। वेक्टर बोर्न डिसीज है डेंगू, एडिस एगिप्टी के बाइट से डेंगू होता है। नेक्स्ट अपन फंडामेंटल नर्सिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इफेक्टिव स्टरलाइजेशन, ओके, ऑटोक्लेव से जो स्टरलाइजेशन होता है, इफेक्टिव स्टरलाइजेशन के लिए कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, तो उसका करंट आंसर है 121 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फेरनहाइट हो तो 254 डिग्री फेरनहाइट, ठीक है। प्रेशर कितना होना चाहिए, 15 LBS, कितना टाइम तक, 15 से 30 मिनट तक, ठीक है। ये स्टरलाइजेशन के बारे में जो भी डिटेल थे इस क्वेश्चन में अपन ने डिस्कस कर दी। नेक्स्ट, फॉर गिविंग एनिमा द हाइट ऑफ द एनिमा कैन, जब एनिमा देते हैं तो हाइट ऑफ द एनिमा कैन कितना होना चाहिए, 45 सेंटीमीटर। अगर इंच में हो तो 18 इंच, तो ग्रेविटी से इजीली इनफ्लो हो सके, ठीक है। द एडल्ट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री फेरनहाइट, ठीक है। यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एट विच एंगल इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज गिवन, जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन है वो विच एंगल, कितने डिग्री एंगल से देते हैं, तो 15 डिग्री इंट्राडर्मल। यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर दीजिए अपनी बुक में, इंट्राडर्मल 15 डिग्री से देते हैं। सबक्यूटेनियस जो है 45 डिग्री इन थिन, जो पतले लोग होते हैं, थिन लोग होते हैं, उसमें 45 डिग्री, 90 डिग्री इन ओबेस, ठीक है। इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर जो है वो 90 डिग्री से देते हैं। इंट्रावेस्कुलर 15 टू 45 डिग्री के एंगल से अपन इंजेक्शन देते हैं। तो ये बेसिक चीजें मैंने पूरा ही डिस्क्रिप्शन दे दिया, ताकि कहां से भी क्वेश्चन आए आप गलत नहीं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्गेटिव एनिमा इज गिवन इन, ओके, पर्गेटिव एनिमा किस लिए देते हैं, तो टू इंड्यू, पर्गेटिव एनिमा का एक्शन है टू इंड्यूस द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, तो जो भी अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको इजीली इवैक्यूएट कर सके, ठीक है। टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिटेटिव एनिमा। To destroy helminthes, anti-helminthes. Anti-helminthes anima देते हैं। Next, to improve peristalsis, purgative anima. To provide anesthesia, anesthetic anima. ठीक है। Carminative anima. टू रिलीव गैसेस डिस्टेशन के लिए कार्मिनेटिव एनीमिया, कैथेट्रिक्स। टू इवैक्यूएट द इंटेस्टाइनल, ठीक है, इंटेस्टाइनल इवैक्यूएशन के लिए कैथेट्रिक एनीमा देते हैं। यहां से क्वेश्चन आरआरबी में पिछला क्वेश्चन पूछा गया है, तो एनीमा से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर होगा, आइदर द कैन, हाइट ऑफ द कैन, या फिर कौन सा एनीमा किस लिए देते हैं, तो आपको ये अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट, एब्रीविएशन ऑफ SOS, ये जो क्वेश्चन है इसमें से अगर कोई भी एब्रीविएशन आ गई तो मैक्सिमम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चार है उसका अपन डिस्कशन करेंगे। गिव इमीडिएटली, इमीडिएटली देने, SOS का मतलब क्या है,
गिव वेन एवर नेसेसरी, गिव इमीडिएटली को बोलते हैं स्टेट, एट बेड टाइम एच एस, वेन रिक्वायर्ड पी आर एन, ठीक है। तो गिव इमीडिएटली स्टेट अगर एब्रीविएशन है, गिव इमीडिएटली एस ओ एस है, वेन एवर नेसेसरी, एट बेड टाइम एच एस, वेन रिक्वायर्ड को बोलते हैं पी आर एन। स्क्रीनशॉट ले लो या अच्छे से नोट डाउन कर लो बुक्स में। नेक्स्ट, नी चेस्ट पोजिशन इज ऑल्सो नोन एज, नी चेस्ट पोजिशन क्या कहलाती है, जेनु पेक्टोरियल पोजिशन को बोलते हैं नी चेस्ट, जो गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए यूज करते हैं। एनीमिया इज गिवन, एनिमा इज गिवन इन, एनिमा किस में देते हैं, कौन सी पोजिशन में देते हैं, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। तो लेफ्ट लेटरल पोजिशन यूजली एनिमा देते हैं जिसमें सिग्मोइड कोलन रेक्टम स्ट्रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन फॉलोइंग विच इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ टेकिंग ओरल टेम्परेचर, ओरल टेम्परेचर बच्चों में चेक कौन कौन से ऐसे हैं जो ओरल टेम्परेचर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, साइकेट्रिक पेशेंट में ओरल टेम्परेचर नहीं चेक करना चाहिए, सर्जरी ऑफ द माउथ हुई है तो ओरल टेम्परेचर नहीं करना चाहिए चेक, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एनिमा हाइट ऑफ द कैन ये इंच में है, ठीक है, अगर इंच में पूछा है तो आंसर है 18 इंच, सेंटीमीटर में हो तो 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एनिमा पेशेंट कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल क्रैम्प, तो अपन को क्या करना है, स्टॉप गिविंग एनिमा, ठीक है, एनिमा के कैथेटर को क्लैंप करना है और स्टॉप करना है टिल जो क्रैम्प सबसाइड न हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनजी इंट्यूबेशन, एनजी ट्यूब शुड बी मेजर, राइल्स ट्यूब जब इंट्यूबेशन करते हैं तो कैसे मेजर करते हैं, ऑप्शन नोज टू स्टर्नम, नोज टू अम्बेलिकस, नोज टू ट्रेगस ऑफ द ईयर एंड ट्रेगस टू स्टर्नम एंड नोज टू ट्रेग, नोज टू द ट्रेगस प्लस नोज टू द अम्बेलिकस। तो इसको करेक्ट आंसर है सी, नोज टू द ट्रेगस ऑफ द ईयर एंड ट्रेगस टू द ज़िफोइड प्रोसेस इज द करेक्ट आंसर। अब अपन फ्यू टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज इम्यूनिटी मींस, इम्यूनिटी मींस क्या है, सीधा आंसर डिसीज रेसिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, क्योंकि पहले अपन ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। कंपोनेंट ऑफ द ओ आर एस ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के कंपोनेंट सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम, सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम, सोडियम कार्बोनेट 1.5 ग्राम, सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है, ठीक है, इसको अपन एक मिनट, सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम, सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम और सोडियम कार्बोनेट इज द एक्सेप्शनल, सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है, ठीक है, और डेक्सट्रोज 13.5 ग्राम, ओके। सो टोटल ओआरएस में कितनी एनर्जी होती है, 21 ग्राम, ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट इज नॉट प्रेजेंट इन ओआरएस। इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिसीज, इसमें कौन सी कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है, टीबी कम्युनिकेबल डिसीज, पर्ट्यूसिस, मीजल्स कम्युनिकेबल डिसीज, ओके, सीवीए इज नॉट कम्युनिकेबल डिसीज, इट इज द स्ट्रोक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सर्विसेज, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसकी सर्विसेज होती है जो कौन सी कैटेगरी में होती है, प्रिवेंटिव केयर देते हैं, प्रमोटिव केयर देते हैं, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर देते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। रैशेज ऑफ मीजल्स एंड रूबेला, ये दोनों अलग क्वेश्चन है, रैशेज ऑफ मीजल्स और रैशेज ऑफ रूबेला फर्स्ट कहां पे अपीयर होते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैशेज ऑफ चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है,
वेर इज एला जोस्टर, ठीक है। तो चिकन पॉक्स के जो रेशेज रहते हैं फर्स्ट बॉडी में कहाँ अपियर होते हैं, ट्रंक, ठीक है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सिमेट्रिकल, ओके सिमेट्रिकल ये नेचर के होते हैं, और फ्लियोमोर्फिज्म, ठीक है। सब जो उसके जो टाइप्स ऑफ द वेसिकल होते हैं वो साइमेंटेनियसली प्रेजेंट एट वन पार्ट, वेसिकल पस्टूल सब एक ही पार्ट, सब एक साथ एक ही बॉडी पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये चिकन पॉक्स के जो वेसिकल्स होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसमें से एक या दो क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे सीएचओ लेवल पे, ठीक है। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में मैं क्या पढ़ा, रिस्क प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या पढ़े, हेल्थ प्रमोशन, एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। सेकेंडरी प्रिवेंशन अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट। टर्शियरी रिहैबिलिटेशन, एंड डिसीज डिसेबिलिटी लिमिटेशन, ओके डिसीज प्रिवेंशन और डिसेबिलिटी लिमिटेशन। तो अपना क्वेश्चन क्या है, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, जो कि किसके अंदर आता है, प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकमेंडेड लेवल ऑफ द फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर 0.5 to 0.8 mg पर लीटर इज द करेक्ट आंसर। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ पर 1 lakh मदर्स, ठीक है, प्रेगनेंसी टू 42 weeks, टिल 42 weeks और आफ्टर डिलीवरी। मैं किसी मदर की डेथ होती है उसे बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो कि पर लैक पे कैलकुलेट होती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 पे कैलकुलेट होती है। तो इन दोनों में से कहीं से भी क्वेश्चन है गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ब्रेन मेटास्टेसिस मोस्ट कॉमनली अराइज फ्रॉम, ब्रेन मेटास्टेसिस कहां से, ब्रेन से सबसे नियर बाय कौन सा है, लंग्स सबसे नियर है। तो लंग्स से जो भी कैंसर के जो सेल्स है जो मेटास्टेसिस हो सकते हैं, जो ब्रेन तक सबसे अर्लीस्ट पहुंचते हैं जो है लंग्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, साइट इन्वॉल्व इन सोरियासिस इंक्लूड्स, सोरियासिस जो होता है उसमें कौन सी साइट पे ये इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, नेल्स या स्किन सरफेस लाइक स्कैल्प, नीज एंड एल्बोज, जॉइंट। तो ये तीनों में सोरियासिस के जो सिम्टम होते हैं तीनों में सिल्वर शाइनी स्किन प्रेजेंस होती है। तो ऑल ऑफ दो इज द करेक्ट आंसर। सोरियासिस एक तरह से क्या है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म अननोन है, ठीक है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म अननोन है। यूजली क्या होता है, जो सेल्स होती है वो अपने 30 डेज में न्यू जनरेट होती है, वो यूजली इनमें क्या होता है 2 to 4 days में सेल्स का ग्रोथ ज्यादा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एस्पिरेटिंग, अगर राइस ट्यूब से अपन को एस्पिरेशन करना है गैस्ट्रिक एस्पिरेशन, तो राइस ट्यूब टिल कितना सेंटीमीटर इंसर्ट करते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है 50 cm, ओके। Which of the following is the most common complication of the long-term topical steroid? Topical steroid ये है जो कि ointment के रूप में अपन किसी body पे apply करते हैं steroid, ठीक है। तो most common complication क्या है topical steroid का, तो glaucoma is the correct answer for
टॉपिकल एंड सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक रूट कौन सा है अपना, ठीक है, सिस्टमेटिक कौन सा है, कैथेटर, किसी भी कैथेटर से देते हैं तो सिस्टमेटिक, तो सी से कैटरेक्ट। अगर तुम किसी कैथेटर आईवी केंदुला से देते हो तो कैटरेक उसका कॉम्प्लिकेशन, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सिस्टेमेटिक स्टीरॉइड, जो इंजेक्शन रूट से आप देते हो कैथेटर से, तो सी कैटरेक। ऐसे याद करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, टॉपिकल से होता है ग्लूकोमा, किसी कैथेटर या सिस्टेमेटिक रूट से देते हैं तो कैटरेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोपोरोसिस इज नॉट सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस इज नॉट सीन, कैल्शियम इंक्रीज होता है, इसमें भी कैल्शियम इंक्रीज होता है, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड में भी ब्रेक फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं, ठीक है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में कैल्शियम हाइपर कैल्शियम नहीं होता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस की चांसेस हाइपोथायरॉयडिज्म में नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, फ्रीक्वेंटली वॉमिटिंग करना, आफ्टर द ईटिंग फूड वॉमिटिंग, ओके, एक्सेप्ट कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। प्रीडोमिनेंटली सीन इन वुमन, यस, लॉस ऑफ द वेट, वेट लॉस होता है ड्यू टू वॉमिटिंग, डिक्रीज वाइटल साइंस ड्यू टू द एनोरेक्सिया नर्वोसा, टेम्परेचर पल्स एंड बीपी फॉल्स होते हैं, एक्सेसिव ईटिंग इट्स नॉट सीन इन एनोरेक्सिया नर्वोसा, इट्स सीन इन बुलेमिया नर्वोसा, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लिनिकल फीचर ऑफ द एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, इस क्वेश्चन में नॉट ए क्लिनिकल फीचर, आप ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा में वेट रिड्यूस होता है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया, तो इंक्रीज बॉडी वेट इज नॉट प्रेजेंट, एनोरिया इन फीमेल प्रेजेंट, हर्सुटिज्म हो सकता है, वेरी लेस ईटिंग बाय पेशेंट, ये सब चीजें होती है, लेकिन बॉडी वेट जो है कि रिड्यूस होता है, न कि इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनलेस ग्रॉस हिमेचूरिया इज द टिपिकल साइन ऑफ मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर, किसमें होता है, कार्सिनोमा ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, पेनलेस ग्रॉस हिमेचूरिया होता है। इमीडिएट मैनेजमेंट टू रिस्टोर द बीपी एंड पेरिफेरल सर्कुलेशन इन पेशेंट विथ मल्टीपल फ्रैक्चर एंड फ्लूइड लॉस, तुरंत अपन को क्या करना है, आप आरएल इन्फ्यूजन स्टार्ट कर सकते हो इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोग्लाइसीमिया इज नॉट अ फीचर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कौन सी कंडीशन में हाइपोग्लाइसीमिया फीचर नहीं है, एडिसन डिसीज कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से होता है, डिक्रीज होने, हेपेटोसेल्युलर फेलियर, एक्रोमेगेली, एक्रोमेगेली किसकी वजह से थे, इंक्रीज द ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के इंक्रीज होने की वजह से एक्रोमेगेली होता है, ठीक है, तो एक्रोमेगेली में नॉट अ फीचर पूछा है, हाइपोग्लाइसीमिया एक्रोमेगेली में नहीं होता है, क्योंकि उसमें ग्रोथ हार्मोन मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन होगा, जिससे हाइपरग्लाइसीमिया होगा, न कि हाइपोग्लाइसीमिया। इन द फॉलोइंग विच साइट इज यूज इन सेंट्रल वेनर वेनस कैथेटराइजेशन, ओके, सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन के लिए कौन सी वेन यूज करते हैं, फिमोरल, यस करते हैं, सबक्यूटेनियस करते हैं, इंटरनल जुगुलर वेन, तो तीन ऑल ऑफ द वो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ द वन यूनिट ऑफ द फ्रेश होल ब्लड इन एन एवरेज एवरेज एडल्ट के लिए वन यूनिट ऑफ द फ्रेश होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो अपन जब नेक्स्ट ब्लड सैंपल भेजते हैं 3 to 4 hours में, तो 1 gram ऑफ द एच बी इंक्रीज होता है। इन जीसीएस स्केल कॉन्शियस पर्सन व्हाट विल बी द टोटल स्कोर, ग्लास्को कोमा स्केल का टोटल स्कोर होता है 15, अगर 3 है तो कोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बोलाइ ड्यू टू डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में जो एम्बोलाइ होता है वो जो एम्बोलाइ यूजली काप मसल्स में होता है, होमन साइंस प्रेजेंट होता है, जब ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस जब एम्बोलाइ ब्रेकडाउन होता है तो लंग्स में जाने की चांसेस ज्यादा होता है, और किसका खतरा होता है,
पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूशन। ब्लड ट्रांसफ्यूशन से कौन सा इन्फेक्शन ट्रांसमिशन डिसीज नहीं होती है? तो डेंगू वायरस। डेंगू वायरस इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूशन। हेपेटाइटिस बी का दूसरा नाम है सीरम हेपेटाइटिस। साइटोमेगलो वायरस ब्लड ट्रांसफ्यूशन से ट्रांसफर होता है। हेपेटाइटिस सी इज ऑल्सो ट्रांसफर। अ पेशेंट डेवलप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाइल इंसर्टिंग सेंट्रल वेनस कैथेटर। अगर सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन कोई फिजिशियन करता है और अचानक से एज ए नर्स इफ यू सी एनी रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, आंख बंद करके अपन को निमोथेरेक्स कंसिडर करना है। क्योंकि जब इंटर जेगुलर लाइन में जब वो सीवीपी लाइन डालेंगे, सेंट्रल वेनस कैथेटर डालेंगे, तो कहीं से आर्टेरियल पंक्चर हो जाता है और निमोथेरेक्स के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पेशेंट विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, दस अंडरस्टैंड दैट पेशेंट मे नॉट डेवलप द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन। ओके, अगर लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी है तो उसका हाइपरट्रॉफी ऑफ द मसल्स हो सकता है, ठीक है। ये जो हाइपरग्लाइसीमिया कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस होता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, लेकिन ये हाइपरट्रॉफी ऑफ द मसल्स नहीं होता है। अ पेशेंट इज ऑन वेंटिलेटर, हिज एबीजी एनालिसिस शोज पीएच 7.5, पीएच 7.5। नेक्स्ट, अ पेशेंट ऑन वेंटिलेटर हिज एबीजी एनालिसिस, अगर पेशेंट कोई वेंटिलेटर पे है उसके एबीजी एनालिसिस करें और पीएच जो है वो 7.5 एल्कलाइसिस है, पीसीओटू क्या है डिक्रीज, पीसीओटू डिक्रीज होगा है, तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में। अगर पीएच इंक्रीज पीसीओटू डिक्रीज होता है तो अल्कलोसिस होता है रेस्पिरेटरी, ठीक है। और इसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर एबीजी एनालिसिस में मोर डिटेल में देंगे, लेकिन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ केस ऑफ द ब्लड ट्रॉमा फॉलोइंग आरटीए इन पेशेंट कम इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट कंडीशंस इन शॉक आईवी फ्लूइड इन्फ्यूज्ड बट पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। कोई पेशेंट इमरजेंसी में आया है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से, फिर भी उसको जब आईवी फ्लूइड इन्फ्यूज करते हैं फिर भी उसका ब्लड ट्रांसफ्यूशन ब्लड प्रेशर उसका इंक्रीज नहीं होता है, तो अपन को नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इमीडिएटली मैनेजमेंट करना है, इमीडिएटली लेप्रोस्कोपी इज द नेक्स्ट स्टेप। अ पेशेंट ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इज ब्रॉट इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ठीक है, उसको क्या है, उसको भी ब्लड प्रेशर एकदम कम है, टकीकार्डिया पैलर रेस्टलेसनेस, तो मोस्ट लाइकली कौन सा ऑर्गन रप्चर होगा, तो उसका करेक्ट आंसर है स्प्लीन। गायनोकोलॉजी और मिडवाइफरी से अपन ने फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं। रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी फॉलोइंग सिंगल, जब सिंगल अनप्रोटेक्टेड कोइटस, जब सिंगल अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया जाता है ड्यूरिंग द ओवुलेशन और नियर बाय ओवुलेशन, तो कितने परसेंटेज चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के, तो 8-10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैकेट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल शुड बी स्टार्टेड, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से डे से पैकेट ऑफ द जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं वो स्टार्ट करने हैं, 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इन फॉलोइंग विच इज द कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ द आईयूडी इंसर्शन, सीधा आंसर है वेजाइनल ब्लीडिंग, आईयूडी इंसर्शन के कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग है। नेक्स्ट, आईयूडी इनहिबिट द प्रेगनेंसी बाय, जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है वो प्रेगनेंसी को कैसे रोकता है, प्रिवेंटिंग डिपोजिशन ऑफ द स्पर्म इनटू वेजाइना, ये कॉन्डोम का फंक्शन होता है कि स्पर्म्स को वेजाइनी में डिपोजिट नहीं होने देता है, इंटरफेरिंग इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज ओवम इन यूटेरस, ये है आईयूडी का फंक्शन, सप्रेसिंग ओवुलेशन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या करता है, ओवुलेशन को ही सप्रेस कर देता है, तो उसका करेक्ट आंसर है बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द मेनोपॉज अ वुमन बिकम मोर प्रोन टू डेवलप ऑस्टियोपोरोसिस. मेनोपॉज आफ्टर 45 ईयर ऑफ द एज, जब वुमन में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर के बहुत चांसेस होते हैं. क्यों? इसका जो रीजन है फॉल इन द एस्ट्रोजन लेवल. जब एस्ट्रोजन का लेवल फॉल्स होता है तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करते हैं? एस्ट्रोजन थेरेपी देते हैं. नेक्स्ट, कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूडी, प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है, ब्लीडिंग. फर्टिलाइजेशन अकर इन, फर्टिलाइजेशन कौन से ऑर्गन के अंदर होता है? यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब, पेल्विस, वजाइना. तो फेलोपियन ट्यूब इज द करेक्ट आंसर. टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 11 kg, 9 to 12 kg कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम 11 kg इज द करेक्ट आंसर. मूवमेंट ऑफ द बेबी फेल्ट बाय द मदर इज नोन एज क्विकनिंग. मूवमेंट ऑफ द बेबी फेल्ट बाय मदर को क्या बोलते हैं? क्विकनिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेस्ट क्वाड्रेंट, ब्रेस्ट होता है उसके, उसको फोर क्वाड्रेंट में अपन डिवाइड करते हैं. तो अपर आउटर, जो अपर आउटर है मोस्ट कॉमन फॉर ब्रेस्ट कैंसर. नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट कॉमन एंड आइडियल पेल्विस, आइडियल फीमेल पेल्विस कौन सा है? गायनोकोइड. नेक्स्ट, अ डेफिनेट ट्रीटमेंट फॉर सम चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम थैलेसेमिया. थैलेसेमिया का जो डेफिनेट और परमानेंट जो ट्रीटमेंट है उसका बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन करे तो आइदर, नहीं तो थैलेसेमिया के पेशेंट को ट्वाइस और फोर वीकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने की जरूरत होती है. तो इसका परमानेंट इलाज कौन सा है? बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन. द अपगार स्कोर इज डन टू अप्रेज द इन्फेंट फॉर रेस्पिरेटरी एफर्ट, रेस्पिरेटरी एफर्ट को चेक करने के लिए अपगार स्कोर यूज किया जाता है. अ चाइल्ड इज डायग्नोज विद बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, नर्स एजुकेट द मदर. अगर कोई चाइल्ड को बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो मदर को क्या एजुकेट करना चाहिए? वॉश हैंड फ्रीक्वेंटली, इसके क्वेश्चन में पूछा है एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट को ध्यान में रखिए. फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करना चाहिए, यस करना चाहिए. क्लीन आई एस प्रिस्क्राइब करना चाहिए, गिव आई ड्रॉप एस प्रिस्क्राइब करना चाहिए. लेकिन जो शेयर द टॉवल एंड वॉश हैंड, जब हैंड वॉश करते हैं तो सेम टॉवल को शेयर नहीं करना चाहिए. तो ये इसका एक्सेप्शनल करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट, विच इज द विच वाइटल साइन इज नॉट इंक्लूडेड इन अपगार स्कोर. अपगार स्कोर में कौन सा वाइटल साइंस इंक्लूड नहीं होता है? स्किन कलर, यस. रेस्पिरेशन, यस. हार्ट रेट, यस. तो टेम्परेचर इंक्लूड नहीं है. रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स एंड मसल टोन, ठीक है, ये पांच इंक्लूड है. तो इसका आंसर है टेम्परेचर. When physiological jaundice appear in newborn, previous lecture में आप चेक कर सकते हैं. Physiological jaundice on second day appear होता है, 1 week के बाद disappear होता है. Wilms tumor is the tumor of the kidney. Wilms tumor, kidney के tumor को Wilms tumor बोलते हैं. Prevention of the food and adulteration act, nutrition से कुछ question है. Food and adulteration act 1954 is the correct answer. Deficiency of the protein in food is called as kwashiorkor, protein deficiency. Marasmus, protein plus calorie deficiency. Rickets, vitamin D in child. Scurvy, vitamin C deficiency. ठीक है, ग्रोथ चार्ट रिकमेंडेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फॉलोइंग नंबर, कितने ग्रोथ चार्ट जो आंगनवाड़ी 1 to 5 ईयर चाइल्ड का ग्रोथ मॉनिटर करती है, तो उसमें जो ग्रोथ चार्ट में कर्व कितने होते हैं? 4 कर्व. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज लोकेटेड इन, करेक्ट आंसर इज सीधा हैदराबाद. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द न्यूट्रिशन लोकेटेड इन हैदराबाद.
ऑस्टियोपोरोसिस इज कॉज्ड बाय ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. मिड डे मील प्रोग्राम ये प्रीवियस लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके हैं. इसका जो करेक्ट आंसर है वो 300 कैलोरी एंड 8 टू 12 ग्राम ऑफ द प्रोटीन. सी इज द करेक्ट आंसर. 300 कैलोरी एंड 8 टू 12 ग्राम ऑफ द प्रोटीन मिड डे मील का जो गोल होता है बच्चों को देने का अचीव किया जाता है. नेक्स्ट, परनिशियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ द नेक्स्ट परनिशियस एनीमिया इज द कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है? परनिशियस एनीमिया होता है. थैंक यू ऑल. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैक्सिमम जो कि बच्चे हैं वो इसका यूटिलाइज कर सके. ये सीओचओ का फर्स्ट मॉडल पेपर था. इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस है. हमारे द्वारा यही आपको पढ़ाया जाएगा विद इन ये 10 to 15 डेज में कि सीओचओ लेवल का, ना कि पूरा टॉपिक एक टॉपिक कंप्लीट करने में 3 घंटे ले लिया जाए. तो कीप फॉलो अस और मैक्सिमम शेयर करें. थैंक यू ऑल.